बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बल वाला पराठा, सादा बल वाला पराठा, जो कि मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। और ये मैं आपसे, मैंने कहा मैं जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, फिर मैंने बनाया, ट्राई किया, तो मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ और बताऊंगी कैसे वो उनको दो तीन तरीक़ों से आता था। मैं आज आपको दो स्टाइल से बताऊंगी कि वो कैसे दो स्टाइल से पेड़ा बनाती थी, तो मैं वो आपसे शेयर करूंगी। तो ये मैंने दो पेड़े ले लिए हैं आटे के, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। ये स्टार्ट करते हैं। ये पेड़ा ले लिया है मैंने, अब मैं इसको थोड़ा सा बेल। दूसरा पेड़ा बनाने के लिए भी मैंने पूरी रोटी एक बेल ली है, अब मैं इसका बताती हूँ क्या स्टेप। इस पे भी पहले घी लगाऊंगी, सेम उसी तरह घी लगाऊंगी। मैं घी यूज कर रही हूँ, देसी घी, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अंदर लगाने के लिए, जो अंदर मैं पेड़े में लगाती हूँ वो घी यूज करती हूँ, और फ्राई मैं ऑयल में करती हूँ। ये मैंने देसी घी लगा लिया है, थोड़ा सा इस पर भी आटा डस्ट कर देंगे। अब देखिए, ये इधर से मैं थोड़ा सा इसको कट कर दूंगी छुरी से। और इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करती जाऊंगी ऐसे। ऐसे सेम आपने इसको एक ही स्टेप से लेके जाना है, इस तरह से। आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है, फ्रिज में अगर आप रख देना तो ये सही हो जाता है। ये हो गया, ये एक कोन की शक्ल बन जाएगा। और फिर आप इसको ऐसे करके हाथ पर और ऐसे प्रेस करते हैं। एक स्टेप ये है, एक पेड़ा ये स्टाइल है, ठीक है जी। अब मैं इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए जी। जो मैंने फर्स्ट वाला बनाया था ये वो पेड़ा है, इसको मैंने अब चकला बेलन पे रख दिया है। अब मैं इसको बेलूंगी। पहले आप इसके कॉर्नर्स को प्रेस कीजिए हल्के हाथ से। पहले आप इसके कॉर्नर्स को करें, फिर दरमियान से करते जाएं ऐसे। ये हो गया है। अब मैं इसे, तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, मैं उस पर डाल दूंगी। तवा गरम है हमारा, अब मैं इस पर डाल दूंगी पराठा। सॉफ्ट है ना, बहुत। बल खुल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और इतना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह।
हल्की आंच पर बनाना है आपने, बहुत हल्की आंच पर इसको बनाएं। ये जो फोल्डिंग वाला था वो पराठा है। बस इससे डार्ट नहीं करना मुझे, ऐसे निकाल लूंगी प्लेट में। ये मैंने आज अपने लिए पराठा बनाया है, आज मैं हैवी नाश्ता एंजॉय करूंगी। व्यूअर्स, ये हमारे पराठे रेडी हैं। ये देखें, ये जो तिकोन वाला मैंने पेड़ा बनाया था ये वो पराठा है, देखें। और ये जो मैंने बल वाला बनाया था ये वो है, फोल्डिंग बल लेके। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मैंने अपने इस पराठे के साथ ये हाफ़ फ्राई अंडा बनाया है और कड़क चाय, इसके साथ मैं अपना पराठा इन्जॉय करूँगी। और आप भी इस तरह अपने घर में बनाएं और इन्जॉय करें, संडे पार्टी हो और अपने घर में इन्जॉय करें। अगर आप मेरी रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने घर में, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक कीजिए और कुकिंग विद हबीबा के नाम से इंस्टाग्राम फॉलो करें। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।